बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बस जिसमें आए हवा, हुआ है क्या फिर इससे आगे तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पानी ना पीते हैं हम,
सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं
हैं, ब्रह्मा जी बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं, हे राम भक्त हनुमान।
संग में अयोध्या पठाया। भक्त और भगवान का फिर तो ऐसा मिलन हुआ। फिर बोले श्री राम, हम ये लीला रहे दिखा। अब तुम जाओ हनुमान, हम वनवास को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते। मुसीबत आई, अपनी गदा से जाने कितने दानों मारे हैं। श्री राम के बोल रहे मुख से जयकारे हैं। लखन लाल और मेघनाथ में युद्ध हुआ भारी। मेघनाथ ने जब लक्ष्मण को शक्ति थी मारी, सूर्योदय से पहले जाकर संजीवन ला। सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
तरस कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें सियाराम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। भक्तों, आज हम श्री राम भक्त हनुमान जी की अनेकों लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं कि राम भक्त हनुमान ने किस प्रकार से अपने राम भक्त होने का प्रमाण दिया है, और सुंदरकांड में हनुमान जी की अनेकों ही लीलाओं का बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है। भक्तों, संकट मोचन हनुमान जी की कथा सुनने मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण होता है। भक्तों, तो आइए आज हम भी हनुमान जी की उन्हीं लीलाओं का कुछ वर्णन करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। हनुमान बजरंग बलकारी, इनकी महिमा सबसे न्यारी। राम भक्त हैं बड़े निराले, ऐसे भी भोले भाले। माँ सीता के पास में आए, देखा रही सिंदूर लगाए। माँ सीता से लगे पूछने, क्या भरा आपने। माँ सीता उनसे लगी कहने, ये सिंदूर लगाया मैंने। रखती हूँ जो इसे लगा कर, प्रभु होते हैं देख कर। हनुमान ने निश्चय किया है, ये सिंदूर तो थोड़ा सा है, अपने पूरे देह में रंग लो, प्रभु को प्रसन्न कर लो। भक्तों, हनुमान जी की इन्हीं लीलाओं में से एक प्रसंग है कि माता सीता अयोध्या में आईने के सामने बैठी श्रृंगार कर रही थी, तो उन्होंने चुटकी भर सिंदूर लेकर अपनी मांग में सजाया। हनुमान जी देख रहे थे, उन्होंने कहा, हे माता सीता, ये आपने अपनी मांग में लाल लाल क्या लगाया है। तब माता सीता उनसे कहने लगी, पुत्र हनुमान, ये सिंदूर है जो मेरे सुहाग की निशानी है, इसे लगाने से तुम्हारे प्रभु श्री राम बड़े ही प्रसन्न होते हैं। जब हनुमान जी ने मन में सोचा कि अगर चुटकी भर सिंदूर मात्र से ही श्री राम प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैं भी राम प्रभु को अत्यंत ही प्रसन्न करूंगा। माँ सीता ने लगा लिया जो थोड़ा सा सिंदूर ही, वो मैं भी उन्हें खुश देखना चाहूँ। सिंदूर ना थोड़ा
आप तब ही हो जाए, आप रही प्रभु सदा ही प्रसन्न। भक्तों, हनुमान जी की इतनी बात सुनकर माता सीता और प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे और प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि हनुमान जी, जो भी आपको श्रद्धा भाव से सिंदूर चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसी दिन से भक्तों, हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है, इसीलिए हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। भक्तों, सिया राम से वर है पाया, जाए तभी सिंदूर चढ़ाया, जो भी इन्हें सिंदूर चढ़ाते राम प्रभु का ही वरदान है, तब करते सिंदूर स्नान है, अपने प्रभु को सब कुछ माने, सिंदूर चढ़ाने मुख से राम राम ही कहते, सेवा में सदा तत्पर रहते, राम भक्त ऐसे हनुमान है, राम प्रभु की काज सवारे, भाई है भरत बराबर प्यारे, भक्तों की है सदा सहाई, महिमा वेदों ने भी गाई। भक्तों, इसी प्रकार एक बार हनुमान जी ने भीम बलि के अभिमान को चूर किया था। बात उस समय की है जब भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा ही अभिमान हो गया था। वो अपनी शक्ति के बल में चूर होकर बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़काने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझसे शक्तिशाली कोई भी योद्धा नहीं होगा। तब हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में उनके रास्ते में आ गए भक्तों, और रास्ते में अपनी पूंछ को फैला लिया। भीम उन्हें देखकर कहने लगा, कौन हो तुम हे वृद्ध से वानर, क्यों बैठे हो पूंछ फैला कर, मेरे लिए रास्ता छोड़ो। भीम से आपने इतना ही कहा, मेरे हो गई वृद्धावस्था, पूंछ हो गई मेरी भारी, तुम तो लगते बड़े बलवान हो, बड़ा ही मुझ पर ये एहसान हो, पूंछ को तुम तो मेरी उठा दो, आसान हो। भीम को दया वानर पे आई, जो ही पूछ उठानी चाहे, अपना बल पूरा लगा दिया, पूछ नहीं गई किंतु हिलाई। भक्तों, भीम ने वृद्ध वानर की पूछ को उठाने के लिए अपना सारा बल लगा दिया, किंतु भीम उनकी पूछ को जरा भी हिला ना पाया। भीम बलि को बड़ी ही लाज आई, उसका सारा अभिमान एक ही पल में चूर हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि ये कोई साधारण वानर तो हो नहीं सकता, अवश्य ही ये कोई महात्मा या स्वयं प्रभु का सेवक है, जो मेरा अभिमान दूर करने के लिए ही आया है। भीम बलि हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगा। भीम बोले हाथ जोड़कर, आप नहीं साधारण वानर, कृपा करके मुझको बतलाइए, असली रूप दिखाइए, अभिमान जो मुझे हुआ है उसे आपने दूर किया है, मैं तो आपको शीश झुकाऊं, असली रूप देखना चाहूं। आपने अपना रूप दिखाया, भीम बलि ने शीश झुकाया, बोले राम भक्त हनुमान हो, मेरा प्रणाम हो, अभिमान वश हुआ है जो भी, भूल की मैं चाहता हूँ माफी, भीम ने जो की क्षमा याचना, बजरंगी को बड़ा मानना। तो भक्तों, इस तरह से हनुमान जी महाराज ने भीम बलि का अभिमान दूर किया। इसी प्रकार
एक बार अर्जुन को भी अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अभिमान हो गया। एक बार विचरण करते करते वो एक नदी के तट पर आए और नदी के उस पार जाने की इच्छा से अपना गांडीव निकाल कर नदी पर वानों का पुल बना दिया। अपनी ही बनाए पुल को देखकर अर्जुन बड़े ही हर्षित हुए। उन्होंने सोचा, जब मैंने इस नदी के ऊपर इतना मजबूत पुल बना दिया तो श्री राम तो मुझसे भी अच्छे धनुर्धर थे। उन्होंने सागर के ऊपर पत्थरों से सेतु क्यों बनाया? यदि वो चाहते तो बाणों का भी पुल बना सकते थे। उनको मन ही मन शंका होने लगी, क्या श्री राम मुझसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे? अर्जुन के मन का हाल जानकर हनुमान जी वानर के रूप में उनके समक्ष आते हैं और कहते हैं, हे वीर धनुर्धर, आपने बड़ा ही मजबूत पुल बना दिया। तब अर्जुन अपनी ही बड़ाई करने लगे और बोले, श्रेष्ठ हूँ वानर मैं धनुधारी, देख ले तुमने शक्ति हमारी, ऐसा है सेतु मैंने बनाया, कोई बना न पाया। श्री राम भी तो थे धनुर्धर, राह में उनकी आया सागर, शिलाओं का सेतु बनवाया, उन्होंने समय गवाया। सेतु बना कर के बाणों का जा सकते थे वो तो लंका, जब लंका पर करी चढ़ाई अभिमान अर्जुन को हुआ है, हनुमान ने जान लिया है, दूर अहम करने की खातिर उनके पास में आकर। भक्तों, अर्जुन का ये अभिमान देखकर हनुमान जी उनसे आकर कहने लगे, अर्जुन वास्तव में श्री राम जी आपसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो वो भी आपकी तरह सागर पर बाणों का सेतु बना सकते थे, किंतु उनकी सेना में बहुत ही शक्तिशाली वानर थे, बाणों का सेतु उनका भार ही नहीं सह पाता, फिर लंका पर चढ़ाई कैसे कर सकते थे? हनुमान जी की बात सुनकर अर्जुन कहने लगे, ये देखो मैंने वानों का इतना मजबूत सेतु बनाया है कि इसके ऊपर से श्री राम जी की सारी सेना भी गुजर जाती तो भी इसका कुछ ना बिगड़ता। तब हनुमान जी बोले, नहीं नहीं धनुर्धर, ये सेतु तो मुझ अकेले वानर का भार भी नहीं उठा सकता, फिर भला श्री राम जी की वानर सेना कैसे इसके ऊपर से गुजर सकती थी? अर्जुन कहने लगे, यदि ऐसा है तो तुम इस सेतु को तोड़कर दिखाओ। हनुमान जी जैसे ही उस सेतु के ऊपर खड़े हुए, तिनके की तरह टूटकर बिखर गया। तब अर्जुन हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, चूर मेरा अभिमान किया है, आपने ही एहसान किया है, मैंने आपको ना पहचाना, साधारण पर नहीं आप है, मन में मेरे पश्चाताप है, रूप आपका जान न चाहता, चाहता है तो फिर सुन, तुमसे भी ना मैं अनजान हूँ, जो अपना है रूप दिखाया, अर्जुन ने फिर शीश झुकाया और चरणों में किया प्रणाम है, रावदूत हनुमान है। तो भक्तजनों, इस तरह हनुमान जी की अनेकों अनेकों लीलाएं हैं, जिनमें से कुछ लीलाओं का हमने यहाँ वर्णन किया है। आशा करते हैं कि आपको राम भक्त हनुमान की लीलाओं का वर्णन पसंद आया होगा। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा के साथ मेरे साथ बोलिए, सियावती रामचंद्र की।